हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमें 6 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जिसमें स्टार लगे हुए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो स्टार लगे हुए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस मंत्री द्वारा NEET नेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया गया? ए अनुराग ठाकुर, बी है धर्मेंद्र प्रधान, सी है प्रियंका गांधी एंड डी है अमित शाह। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नेशनल अलायंस, है ना, नेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया गया है। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशनल मिनिस्टर भी है हमारे करंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ए 6 जनवरी, बी है 10 जनवरी, सी है 12 जनवरी एंड डी है 5 दिसंबर। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए भोपाल, बी है बेंगलुरु, सी है दिल्ली एंड डी है हैदराबाद। तो राइट आंसर इसका डी, यानी कि हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है? ए अमेरिका, बी चाइना, सी चिली एंड डी है साउथ कोरिया। तो आंसर इसका डी, यानी कि साउथ कोरिया द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने हाल ही में उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी है इंडिया एंड डी है जापान। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि फ्रांस पर। तो जो गूगल और जो फेसबुक है ना, ये ट्रैकिंग करती है यूज़रों को, तो उनकी प्राइवेसी को ख्याल रखते हुए उन्होंने, फ्रांस ने 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC50 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए किसने लॉन्च किया है? ए वजीरेक्स, बी है क्रिप्टो मैप, सी है क्रिप्टो वायर एंड डी है क्रिप्टो करेंसी। तो राइट आंसर इसका सी, यानी कि क्रिप्टो वायर नाम का लॉन्च किया गया है एक सिस्टम, जिसकी सहायता से जो क्रिप्टो इंडेक्स है IC15 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसके द्वारा हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया है? ए बजाज फाइनेंस, बी है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, सी है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड डी है अक्षय जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया है SBI के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी है 9 जनवरी, सी है 28 दिसंबर एंड डी है 24 नवंबर। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान की वह पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज होगी? ए आयशा मलिक, बी है अमरीन शेख, सी है गुलनाज सिद्दीकी एंड डी है अमीना बाजू। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली ऐसी महिला होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य को 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी है तेलंगाना एंड डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी, यानी उत्तर प्रदेश को 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है 7 जनवरी 2022 को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2020 में मिला था कारणों का। क्वेश्चन नंबर 11, 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? ए 6, बी 7, सी 5, डी 4। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 5, यानी कि 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है? ए असम, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब एंड डी है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि असम राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? ए केरला, बी गुजरात, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है इसका सी, यानी कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, वहां राज्य जहां पर पहला खिलौना निर्माण कॉपल टॉय क्लस्टर बनाया जाने की घोषणा की गई है? ए आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है हरियाणा एंड डी है कर्नाटक। तो राइट आंसर इसका डी, यानी कि कर्नाटक वह राज्य होगा जहां खिलौना निर्माण यानी कि कॉपल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी है 12 जनवरी, सी है 14 फरवरी एंड डी है 5 मार्च। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि 10 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण
किया है? ए त्रिशूल, बी है ब्रह्मोस, सी है हाइपरसोनिक एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मोस। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है ब्रह्मोस का। क्वेश्चन नंबर 17, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो स्टार वाले। हाल ही में आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? ए वीवो, बी रेडबुल, सी है बायजूस एंड डी है टाटा ग्रुप। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि टाटा ग्रुप हाल ही में 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है आईपीएल के, ठीक है 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है आईपीएल के टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए पलक कोहली, बी है हरनाश संधु, सी है पीवी सिंधु एंड डी है हर्षली मल्होत्रा। तो राइट आंसर इसका डी यानी कि हर्षाली मल्होत्रा को जो है अभिनेत्री थी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक्टिंग के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है जो कि बजरंगी भाईजान में इन्होंने मुन्नी का रोल किया था, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? ए मार्क रूट, बी है ग्रेट वाइल्डर्स। तो इसका आंसर है बी यानी कि सॉरी इसका आंसर है ए यानी कि मार्क रूट को हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री वाले बनने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है सॉरी पहले नहीं चौथी बार बने हुए हैं मार्क रूट। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शेर सिंह ख्याली, बी है राजकुमार राव। तो इसका आंसर है ए यानी कि शेर सिंह ख्याली को हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस मिलते रहे और मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा और नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको उससे जल्द से जल्द मिल जाएगा और आप हमारे वीडियोस को जल्द से जल्द देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? ए रविंद्र जडेजा, बी है एजाज पटेल। तो इसका आंसर है बी यानी कि एजाज पटेल ने हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है। भारतीय धरोहर का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है? ए इंग्लिश एंड बी है हिंदी। तो इसका आंसर है बी यानी कि हिंदी में भारतीय धरोहर का विवरण यूनेस्को द्वारा छापने की सहमति दी गई है हिंदी भाषा में भारतीय धरोहर को। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट के द्वारा सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है? ए क्विंटन डीकॉक, बी है क्रिस मॉरिस। तो इसका आंसर है बी यानी क्रिस मॉरिस द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी है उन्हें सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है क्रिस मॉरिस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एरिक गॉर्सेटी एंड बी है यूरी किम। तो इसका आंसर है
ए यानी कि एरिक गोरसिटी द्वारा हाल ही में भारत के अमेरिका जो भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त की गए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसरो के नए प्रमुख रूप में हाल ही में किसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? ए के एस सोमनाथ एंड बी है के एस शिवायन। तो इसका आंसर है ए यानी कि के एस सोमनाथ को इसरो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, जबकि के शिवायन इसरो के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस एथलीट का कार एक्सीडेंट में निधन हुआ है? ए डियोनो लैंडोरा एंड बी है रघुवेंद्र तंवर। तो इसका आंसर है ए यानी कि डियोना लैंडोरा का, जो कि एक एथलीट थे, कार एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वहाँ देश जिसने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की? ए इंडिया, बी पाकिस्तान। तो इसका आंसर है बी यानी कि पाकिस्तान, वह देश जिसने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य का गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? ए महाराष्ट्र सावनेर, बी है केरला कुबलंगी। तो राइट आंसर है इसका बी। तो केरला का कुबलंगी गांव जो भारत का है, यहाँ सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। ठीक है, पहला भारत का गांव है, सैनिटरी नैपकिन मुक्त बन गया है केरला का कुबलंगी। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया है? ए 14 जनवरी, बी है 17 जनवरी। तो इसका आंसर है राइट ए यानी कि 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया है 14 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया है? ए अमेरिका, बी जापान। तो इसका आंसर है बी यानी कि जापान ने और भारत के बीच में समुद्री साझेदारी का अभ्यास शुरू किया गया है। इस प्रकार हमने 7 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, जीके के संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो हमने इस प्रकार कंप्लीट किया हुआ है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.